हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन टूडेज़ प्रीलियम स्टोर्स वी आर हेयर टू डि अबाउट द पाटन पटोला अभी G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन पटोला का दुपट्टा गिफ्ट करा है इट इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड प्लीजेंट टेक्सटाइल एंड इट इज द ट्रेडिशनल आर्ट वर्क फ्रॉम गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश इसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये एंशियंट आर्ट है डबल इकत या पटोला वोवन की जो कि सिल्क से बनती थी ग्यारहवीं शताब्दी से इसको 2013 में जी टैग मिला इसमें कोई भी बैक साइड नहीं होती ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है फैब्रिक बियर्स एंड इक्वल इंटेंसिटी ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑन बोथ साइड्स ऐसी क्वालिटी है जिसका ओरिजिन बंधाने प्रोसेस से है पटोला जो है वो पुराने हैंड ऑपरेटेड हार्नेस लूम्स पर बनाई जाती है जो कि रोजवुड और बम्बू स्ट्रिप्स का बना हुआ होता है <coughs> बाकी जो कॉमनली वन पटोला है वो राजकोट पटोला है जो कि फ्लैट लूम पर बनाया जाता है ट्रेडिशनली जो इसके बनाने का तरीका है उसमें प्योर सिल्क नेचुरल एंड केमिकल डाइज का यूज़ होता था लेकिन अभी पिछली एक शताब्दी से फ्रॉम लास्ट वन सेंचुरी ये सारी नेचुरल चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया है फास्ट टू ब्लीच एंड इजी टू डाई केमिकल कलर से तो अब इसमें वो बात नहीं रही है जो पुराने वाले में थी इनके प्रोडक्ट डिज़ाइंस जो हैं वो ट्रेडिशनल मोटिवस के ऊपर बेस्ड होती हैं जिनको भात बोला जाता है जो कि नरिकुंज को भी इंक्लूड करता है ये इनका ही एक डिज़ाइन होगा पजेजिंग एंड वियरिंग अ पटोला इज कंसीडर्ड अ मैटर ऑफ प्राइड पटोला साड़ी का मालिक होना और उसको पहनना अपने आप में एक गर्व का विषय है क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो कॉमन पीपल की पहुंच से बहुत ही ज़्यादा दूर है इसके दाम सुन के आपकी आंखें बाहर आ जानी है अगर आप मिडिल क्लास के बंदे हो तो एक पटोला साड़ी की जो पाटन वोबन होती है उसकी कीमत डेढ़ लाख से शुरू होकर छः लाख तक जाती है जो मिडिल क्लास बंदा है उसके पाँच छः महीने की सैलरी हो जाएगी इतने में तो ये एलिट क्लास की साड़ी है और राजकोट पटोला साड़ी जो है वो उसके बेस प्राइस सेवेंटी सेवेंटी थाउजेंड से शुरू होता है और वन पॉइंट टू फाइव लैख तक जाता है अब इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं पाटन पटोला की और राजकोट पटोला की तो पाटन पटोला के बारे में बात करें तो ये वेजिटेबल डाइस से बनती है इसका वेट फाइव हंड्रेड ग्राम्स का होता है इसमें शार्प मोटिव यूज़ किए जाते हैं और इसका दाम आई होता है राजकोट पटोला की बात करें तो इसमें केमिकल डाइज यूज़ की जाती हैं और इसीलिए ये सस्ती भी होती है इसका वजन थोड़ा सौ ग्राम इससे एक्स्ट्रा होता है पाटन पटोला से इसमें हेजी मोटिवस होते हैं और ये इससे पाटन पटोला से सस्ती होती है सेल्वेज की बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर प्रैक्टिशनर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म ऑफ द सेल्फी फैमिली फ्रॉम पाटन ये जो सेलवेज हैं यही इंडिया में लास्ट बचे हुए हैं जो कि पाटन पटोला को बनाते हैं यही कारीगर बचे हुए हैं इन्हीं की जानकारी के अनुसार वर्ल्ड वार सेकेंड जो था उससे पहले तक इंडोनेशिया इसका मेजर बायर था किंग कुमार पाला जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे इन्होंने लगभग 700 फैमिलीज जो कि पटोला के साड़ी बनाते थे उनको जालना महाराष्ट्र से इनवाइट किया था कि यहाँ पाटन में सेटल हो जाओ आकर और यहाँ पटोला साड़ी बनाओ आप अजंता केव में जो पेंटिंग्स हैं वो पटोला टेक्निक को रिजेंबल करती हैं ये एक अच्छी लाइन है इसको याद रख लेना आर्ट कल्चर की वजह से आर्ट कल्चर पर आज ये हमारा पहला लेक्चर है उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हैव अ गुड डे स्टेब्लिस्ट